क्रीम रोल देना भैया। और सब बढ़िया? ये आपके लिए क्रीम रोल है। लाइए मैम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे भैया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के जमाने में कौन है जो इतने हेल्प करते हो। लो मैम, बैठ जाइए आप। आप इतना सामान कैसे लेके जा रहे हैं आज इतना? भैया मेरी ड्यूटी ऑफ हुई है, मुझे मेरा परिवार भी देखना पड़ता है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वाह मैम, आप घर भी संभाल रही हैं, आप देश भी संभाल रहे हैं। हमारा फर्ज है भैया, करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा है मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा। इसका भी भाई, तेरा चक्कर क्या है? चक्कर है क्या तेरा? क्या क्या हुआ लोकेश? ये कौन सी समाज सेवा कर रहा है यार तू? मतलब जब देखो तभी, कभी किसी का बॉडीगार्ड तो कभी किसी का कूली। मतलब यार ये कुछ समझ के बाहर हो गया है। क्या बातें कर रहा है यार? यार मतलब अपन मिलने किस लिए आए थे और तू कर क्या रहा है? मतलब यार तू तेरी बहन के लिए करता तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन क्या हर रोड पे चलती लड़की तेरी बहन है? प्रॉब्लम क्या है तेरे साथ? प्रॉब्लम यही तो है ना यार कि मैं कुछ कर नहीं सका। काश मैं अपनी बहन के लिए भी कुछ कर सकता। अगर यही लोकेश हमेशा से ऐसा रहता ना, तो आज मेरी बहन भी जिंदा होती। पूजा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। कैसे? डी ब्लॉक में कुछ लड़के उसको छेड़ रहे थे और उन्हीं से बचने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। पूजा, लोकेश हम में से किसी को भी रियलाइज नहीं था कि तेरे लाइफ में इतना कुछ हो रखा है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो रखा है। और यार इतना सब कुछ सुनने के बाद में सिर्फ यही पता लगा कि हम सभी को सुधर जाना चाहिए। हम सभी को नहीं, जितने भी हम जो यंगस्टर्स हैं, जो ये यंग होने के नाम पे जो ये बदमाशियां कर रहे हैं, सारी सब चीज़ें कर रही हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ये बहुत पीछे ले जाएगा हमारे समाज को। हमें फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे तूने कहा कि हर बाहर चलती हुई लड़की डेफिनेटली हमारी बहन ही है, और उसे उसी नज़र से देखना चाहिए।